उत्तर हरियाणा में लाडवा के बाद अगर कोई दूसरी सीट चर्चा में है तो सीट है अम्बाला कैंट की। अम्बाला सीट पर बीजेपी के गब्बर यानी अनिल विज छठी बार विधायक बनने के लिए ताल ठोक रहे हैं। 2024 का यह चुनाव अनिल विज के लिए बेहद खास है, बेहद इम्पोर्टेंट है, लेकिन अम्बाला कैंट के हालात बता रहे हैं कि इस बार गब्बर के लिए बब्बर शेर बनने के आसार बेहद कम हैं। उनके जीत के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, उनका चुनाव इस बार गर्दिश में नज़र आ रहा है। आखिर अम्बाला कैंट में क्या नज़ारा है, अम्बाला कैंट में अनिल विज को क्या नुकसान हुआ है और अम्बाला कैंट में अनिल विज की चुनावी तस्वीर क्या दिख रही है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। अम्बाला कैंट के चुनाव में इस बार नज़ारा बदला हुआ है। अम्बाला कैंट सीट के ऊपर अनिल विज का दबदबा रहा है और इस बार भी वो उम्मीद कर रहे थे कि आसानी से चुनाव जीतकर छठी बार विधायक बनने का रिकॉर्ड अपने नाम करेंगे, लेकिन उनके रास्ते का कांटा बन गई है चित्रा सरवारा। चित्रा सरवारा को कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, वो बागी होकर चुनाव लड़ रही हैं और उनकी सिटी इस समय अम्बाला कैंट में धुआंधार बजती नजर आ रही है। अम्बाला कैंट में इस बार अनिल विज के ऊपर हार का खतरा मंडरा रहा है, यानी उनकी साख खतरे में है। आखिर क्या वजह है कि अनिल विज के लिए खतरा बढ़ रहा है? अनिल विज के लिए सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा नुकसान कर गए हैं मोटा भाई यानी अमित शाह। अमित शाह की अम्बाला में हुई रैली में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर नायब श्रेणी को आशीर्वाद दे रहे हैं और ये नायब श्रेणी को दिया गया आशीर्वाद ही गब्बर के लिए सबसे बड़ा नुकसान करने का काम कर गया है, क्योंकि अनिल विज पिछले 10 दिन में दो बार ये कह चुके हैं कि वो सीएम पद के दावेदार हैं, वो बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में शामिल हैं और इस बार वो मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी रखेंगे। लेकिन अमित शाह ने साफ तौर पर मुलाना की रैली में कह दिया कि अगली बार भी नायब सैनी ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हें मजबूत होना चाहिए क्योंकि उन्हें 5 साल काम और करना है। अमित शाह के ये बोल पूरी तरह से अनिल विज के चुनावी कैंपेन को डैमेज करने का काम कर गए हैं, क्योंकि अनिल विज साफ तौर पर सीएम पद का आखिरी पैतरा फेंक कर अपनी चुनावी किश्ती को मझधार में निकालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अमित शाह ने उनके सारे किए किराए पर पानी फेर दिया, उनके चुनावी मिशन का बंटाधार कर दिया। जाहिर सी बात है अनिल विज को भी इस बात का एहसास है कि इस बार चित्रा सरवारा उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है और हार के खतरे से निकलने के लिए उन्हें सीएम पद का दावा ही सबसे मजबूत और परफेक्ट लगा। आप खुद ही सुनिए कि अनिल विज ने सीएम पद को लेकर क्या दावा किया था। मैंने आज तक अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा है, मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूं। मैंने आज तक अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा है, मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूं। मैंने आज तक अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा है, मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूं। अनिल विज को साफ तौर पर लगता है कि वो सीएम पद की दावेदारी करके ही अपने वोट मेंटेन रख सकते हैं, जिसके चलते वो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन अमित शाह ने उनके सारे मिशन की हवा निकाल दी और उन्हें एक बार फिर से हार के खतरे पर, हार के मुहाने पर डालने का काम कर दिया। अब अनिल विज करें भी तो क्या करें, अब ना तो वो गब्बर के तौर पर प्रदेश के गृह मंत्री हैं, ना बीजेपी उनका दबदबा है, बीजेपी ने उनको मंत्री भी नहीं बनाया और उनके खिलाफ सत्ता की हवा चल रही है, लोगों में बड़ी नाराजगी है। अम्बाला कैंट के वो अब सबसे लोकप्रिय नेता नहीं है और यही वजह है कि उनके लिए हालात मुश्किल हो गए हैं, उनका चुनाव मुश्किल में फंस गया है। दूसरी तरफ चित्रा सरवारा अपनी तरफ से पिछले 10 साल से हर आवाज़ अम्बाला कैंट को लेकर उठाती आई हैं, अम्बाला कैंट की समस्याओं को लेकर धुआंधार संघर्ष करती आई हैं, अम्बाला कैंट की समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरती आई हैं और यही वजह है कि चित्रा सरवारा अम्बाला कैंट की बेटी बन चुकी हैं और उन्हें इस बार वही जनसमर्थन मिल रहा है जो पिछले 5 चुनाव के अंदर अनिल विज को मिलता आया है। यानी कांग्रेस की टिकट नहीं मिलने के बावजूद भी चित्रा सरवारा का पलड़ा फिलहाल भारी नज़र आ रहा है, चित्रा सरवारा मजबूत नज़र आ रही हैं और अनिल विज की मजबूत घेराबंदी करने में सफल हो रही हैं। आप खुद ही देखिए कि चित्रा सरवारा को कितना बम्पर जनसमर्थन जनप्रचार के दौरान मिल रहा है, हर जगह उनके साथ में सैकड़ों की संख्या में
चुनाव प्रचार के लिए साथ ही चलते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं और हर मकान और हर दुकान से उनको आशीर्वाद और समर्थन देने वाले लोगों का तांता लग जाता है। यही वो फर्क है जो अनिल विज और चित्रा सरवारा के चुनाव प्रचार में नजर आ रहा है। अनिल विज को समर्थन देने के लिए बेहद कम लोग मिल रहे हैं, उनका जन प्रचार फीका चल रहा है, वहीं पर चित्रा सरवारा का बम्पर जन प्रचार चल रहा है और उनको हर जगह बड़ा जन समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और यही वजह है कि इस बार अंबाला कैंट के ऊपर बाजी पलटती हुई नजर आ रही है और चित्रा सरवारा अनिल विज के साथ सारे हिसाब साफ करती हुई नजर आ रही हैं। अंबाला कैंट की इस चुनावी घमासान की रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। अंबाला कैंट में इस बार कौन जीतेगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। अनिल विज की सियासत का अंजाम क्या होगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।